मंदिर में ज्योत जगी थी, भक्तों की भीड़ लगी थी, एक पगली सिसक सिसक कर बाबा से पूछ रही थी, बोलो ना आज कुछ बोलो ना, पगली से बोलो ना, बोलो ना आज कुछ बोलो ना, पगली से मंदिर में ज्योत जगी थी, भक्तों की भीड़ लगी थी, मंदिर में ज्योत जगी थी, भक्तों की भीड़ लगी थी, एक पगली सिसक सिसक कर बाबा से पूछ रही थी, एक पगली सिसक सिसक कर बाबा से पूछ रही थी, बोलो ना आज कुछ बोलो ना, पगली से बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना आज कुछ बोलो ना, पगली से बोलो ना, बोलो ना। छोटा सा बच्चा, आज से 7 साल पहले मेरा भी बच्चा मेरे साथ गया था, इसको देख के मुझे तरस आ गया। मैंने कहा ये पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा। इसकी माँ भी कहने लगी तेरा ध्यान रखना छोटा है, तो माँ की ममता बड़ी अजीब सी होती है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैंने कोई बात नहीं, बाबा चाहेगा तो पूरी यात्रा बड़े आराम से निकल जाएगी। और आप यकीन माने हमने निशान उठाया, 5 किलोमीटर भी नहीं चल पाया, मेरे ऐसे फोले पड़ गए पैरों में, 5 किलोमीटर भी नहीं चल पाया। उस समय हमारे साथ पूरी बस में कम से कम 50 आदमी थे, तो ये बच्चा उंगली पकड़कर मेरे पापा और चलो, पापा और चलो, पापा और चलो। उस समय मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि ये मेरी औलाद नहीं है, ये बाबा लगता है उंगली पकड़ के मुझे खींच के ले जा रहा कि अब चल। मैंने कहा अब नहीं चला जा रहा। साथ के जितने भी थे सब पहुंच गए मंदिर तक, और मैं सोचता था आज कैसी परीक्षा ले ली, हर साल निशान चढ़ाने आता था कभी कुछ नहीं हुआ। ये मेरा कहीं ना कहीं मेरा घमंड तोड़ना चाह रहा था कि इस बच्चे को तू छोड़ के आ रहा था, यही बच्चा तेरे को दर्शन कराएगा। ऐसे उस पगली के साथ हुआ, लाल ध्वजा हाथों में लेकर घर से चला था, ध्वजा हाथों में लेकर घर से चला, लाल ध्वजा हाथों में लेकर घर से चला था, लाल ध्वजा हाथों में लेकर घर से चला था, बाबा के जाऊंगा ऐसा उसने कहा था, बाबा के जाऊंगा ऐसा उसने कहा था, वो तेरे दर तक आया श्रद्धा से निशान चढ़ाया, वो तेरे दर तक आया श्रद्धा से निशान चढ़ाया, वो तेरे दर तक आया श्रद्धा से निशान चढ़ाया, वो तेरे दर तक आया श्रद्धा से निशान चढ़ाया। मैं बाट निहार रही थी वो लौट के क्यों नहीं आया, बात निहार रही थी वो लौट के क्यों नहीं आया, बोलो ना आज कुछ बोलो ना, पगली से बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना आज कुछ बोलो ना, पगली से बोलो ना। अरे बेटा जब नहीं लौटा पिता बहुत घबराया, बेटा जब नहीं लौटा
पिता बहुत घबराया, कहाँ गया मेरा तारा ढूंढा नगर सवाया, कहाँ गया मेरा तारा ढूंढा नगर सवाया, बेटे के गम में पागल प्रियतम भी लौट न पाया, बेटे के गम में पागल प्रियतम भी लौट न पाया, अबला की परीक्षा लेने क्या तूने खेल रचाया, अबला की परीक्षा लेने क्या तूने खेल रचाया, बोलो ना आज कुछ बोलो ना पगली से, बोलो ना बोलो ना बोलो ना आज कुछ बोलो ना पगली से, बोलो ना। और जब अपना कुछ खोता है ना, जब अपना कुछ खोता है तो आदमी उस रास्ते में एक बार नहीं 100 बार चल के ढूंढता है कि शायद मिल जाए। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप घर से निकले कहीं 10 का नोट गिर जाए, 3 महीने बाद 5 महीने बाद साल भर के बाद भी अगर उस रास्ते जाते हो तो दिमाग में एक ही बात रहती, शायद बड़ा मिल जाएगा। आता नहीं आता है उसका तो अपना जाया बेटा था, जितने लोग खाटू की तरफ जाते थे सबसे पूछती थी, देखा आपने, देखा आपने, देखा, मगर हर एक आदमी कैसा था क्या बताए। दर दर भटक रही थी सबसे पूछ रही थी, दर दर भटक रही थी सबसे पूछ रही थी, दर दर भटक रही थी सबसे पूछ रही थी, दर दर भटक रही थी सबसे पूछ रही थी, वो दरबार कहाँ है जहाँ जीवन डोर बंधी थी, वो दरबार कहाँ है जहाँ जीवन डोर बंधी थी, बेटा भी तेरे हवाले हो प्रियतम भी तेरे हवाले, बेटा भी तेरे हवाले प्रियतम भी तेरे हवाले, बेटा भी तेरे हवाले प्रियतम भी तेरे हवाले, बेटा भी तेरे हवाले प्रियतम भी तेरे हवाले, मैं सब कुछ छोड़ के आई बस तुमसे आस लगाई, मैं सब कुछ छोड़ के आई बस तुमसे आस लगाई, बोलो ना आज कुछ बोलो ना पगली से, बोलो ना बोलो ना आज कुछ बोलो ना पगली से, बोलो ना। पहुंच गई रिंगस, रिंगस से देख रही है क्या, एक दो नहीं, दो चार नहीं, दो चार हजार नहीं, कई लाखों की भीड़ जब बाबा के दरबार की तरफ जा रही है, पूछती है घर में, दिमाग में लगाती है कि शायद इनमें कहीं कोई मेरा अपना होगा। दरबार तक पहुंचती है, इतनी भीड़ में उम्मीद नहीं होती कि दर्शन हो जाएंगे, फिर भी एक आस बंधी हुई है, विश्वास है कि शायद बाबा के पास तक पहुंच जाऊंगी और बाबा मेरी बात सुन लेगा, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये भरोसा उसको है कि बाबा शायद सुन लेगा। पगली आंचल फैलाए तुमको देख रही है, पगली आंचल फैलाए तुमको देख रही है, आंचल फैलाए तुमको देख रही है, पति पुत्र की खातिर आ
आंसू बहा रही है, पति पुत्र के खातिर आंसू बहा रही है। गिर कर बाबा के आगे दोनों की भिक्षा मांगे, गिर कर बाबा के आगे दोनों की भिक्षा मांगे, गिर कर बाबा के आगे दोनों की भिक्षा मांगे, गिर कर बाबा के आगे दोनों की भिक्षा मांगे। तन मन की खबर नहीं थी, बस इतना पूछ रही थी, तन मन की खबर नहीं थी, बस इतना पूछ रही थी। बोलो ना आज कुछ बोलो ना पगली से, बोलो ना बोलो ना बोलो ना आज कुछ बोलो ना पगली से, बोलो ना। दरबार का नजारा कुछ और, सर पीट पीट के अपना माथा लाल कर लिया, दरबार की चौखट लाल कर दी। लोग होली खेलने के लिए रंग और गुलाल लेके जाते हैं, आज पगली ने खून की होली खेली इस बाबा के साथ, जिसको लोग हारे का सहारा कहते हैं। जरा हाथ उठाओ, हारे के सहारे की तीन मारधारी की, बोल बाबा श्याम की। अरे डोल गया सिंहासन ऐसा हुआ नजारा, डोल गया सिंहासन ऐसा हुआ नजारा, बाबा के दरबार में गूंज रहा जयकारा, बाबा के दरबार में बोल खाटू नरेंद्र जी। हाथ उठा सीधे 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 हाथ उठा एक बार। अरे डोल गया सिंहासन ऐसा हुआ नजारा, ढोल गया सिंहासन ऐसा हुआ नजारा, बाबा के दरबार में गूंज रहा जयकारा, बाबा के दरबार में गूंज रहा जयकारा। बेटे संग पति खड़ा था, एक अद्भुत हाल हुआ था, बेटे संग पति खड़ा था, एक अद्भुत हाल हुआ था। नजारा क्या था, जब परीक्षा की घड़ी आती है और उस समय हम जिस पे उम्मीद करते हैं वो साक्षात हमारे सामने हो तो क्या रूप होता है, जुबान से हम बोल भी नहीं पाते, ये आंखें बोलती है। जब आंखों में आंखें डाल के बाबा से बात करो तो ये आंखें बोलती हैं। कैसे बोलती हैं, एक एक कतरा बताता है कि मेरे को कितनी परेशानी है। बाबा मैं समाज में बोलूंगा, बिरादरी में बोलूंगा, किसी को बोलूंगा तो लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं तुझसे मांगता हूं और तेरी दया तेरी कृपा इतनी बड़ी है कि जो तू दे सकता है वो कोई, अरे डोल गया सिंहासन ऐसा हुआ नजारा, डोल गया सिंहासन ऐसा हुआ नजारा, बाबा के दरबार में गूंज रहा जयकारा, बाबा के दरबार में गूंज रहा जयकारा। बेटे संग पति खड़ा था, एक अद्भुत हाल हुआ था, बेटे संग पति खड़ा था, हाल हुआ था। जयकारा बोल रहा था वो प्यारा बोल रहा था, जयकारा बोल रहा था वो प्यारा बोल रहा था। बोलो ना आप भी बोलो ना, बोलो ना आप भी बोलो ना, जयकारा बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना। उठाए दोनों हाथ बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे सीधे, बोल खाटू नरेश की। आवाज मुझ तक नहीं आई, बाबा तक कैसे जाएगी, बस श्याम प्यारे की, बस श्याम हमारे की।